लगातार चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और अब जो नतीजे 11 बजने को आए हैं, साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कमल खिल रहा है। सरकार बीजेपी की आ रही है, दोहराई जा रही है बीजेपी की सरकार। और इस वक्त हमारी संवाददाता शक्ति बीजेपी ऑफिस में है, बीजेपी प्रदेश ऑफिस में शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। शक्ति, क्या माहौल है वहां का? जी, यहाँ पर साफ तौर पे आपको बता दूं कि जश्न का माहौल है। यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे, जितने कार्यकर्ता है बीजेपी के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो उम्मीद थी कि कांग्रेस की कांग्रेस समर्थकों ने जो है कि होर्डिंग पोस्टर लगा दिए थे और बधाई दे दी थी, लेकिन आज जब पहले राउंड की जैसे ही वोट मतगणना चालू, 130 सीटों पर अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। नहीं शक्ति, मैं आप फील्ड में हैं, शक्ति आप फील्ड में, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि लगभग 154 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। और मैं फील्ड पर हूं, मैंने अभी यहां तक के जब तक मैं मतगणना स्थल पर थी वहां पर मुझे पता चला कि 130 शक्ति इस वक्त बीजेपी, शक्ति मेरी आवाज आपको आ रही है? शक्ति, आप इस टाइम बीजेपी कार्यालय में हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं के चेहरे पे उत्साह नजर आ रहा होगा, फील्ड पे आप लगातार रही हैं और उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर है, 50-50 के चांसेस है, लेकिन यहाँ पर क्लीन स्वीप मार दिया है बीजेपी ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जो है बड़ा ही उत्साहित है और साफ तौर सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल है। और यहाँ पर बीजेपी जो कार्यालय है तैयारी चालू हो गई है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि मालाएं और बिल्कुल जश्न का माहौल है बीजेपी दफ्तर में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो हालात, जो रुझान नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी इतनी बढ़त बनाई हुई है कि कांग्रेस का अब उस आंकड़े को छू पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में अदीप जुड़े हुए हैं। अदीप, क्या लग रहा है, क्या अब जो चर्चाएं चल रही थी 50-50 की, बंपर जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, अब की बार 150 पार यही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और जितनी बातें हो रही थी कि बहुत क्लोज फाइट होगी, आमने सामने का मुकाबला है, उन सभी बातों को धरा बताते हुए मध्य प्रदेश में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा और शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जनता ने जताया है, यह अभी रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब ये रुझान मुझे लगता है कि स्टेबल होते जाएंगे और इनमें बहुत अब बदलाव नहीं होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का भरोसा कायम है। शक्ति, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? जा रही है कि कुछ ही देर में शिवराज जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बंद हुए, बिल्कुल। आपको बता दें कि भोपाल की जो सीटें हैं उसमें कृष्णा गौर ने बढ़त जो है 9000 से ज्यादा वोटों से बना ली है। कृष्णा गौर साफ जीतती नजर आ रही हैं, वहीं रामेश्वर शर्मा भी साफ जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पे साफ जीत उस दिन से स्थापित हो गई थी जिस दिन टिकट इन दोनों को दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रुझान है वो 154 सीटों के ऊपर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अब कांग्रेस जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं घटती जा रही है, तो यहां पर क्लीन बोल्ड जो है बीजेपी ने कांग्रेस को कर दिया है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम आपको देते रहेंगे ताजा अपडेट।